ज्ञान तिमरान दशो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैर् वेदाय सांगपदक्रमोपनिषदाय गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणाम जय गोपाल। आइए मेरे प्रिय बहन भाइयों श्रोतागणों श्रीमद् भागवत गीता के सत्संग समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी चाहिए और किसी शुद्ध भक्त के मुंह से सुननी चाहिए और गीता में जो जो भगवान आदेश कर रहे हैं एक आत्मा के लिए अर्जुन के लिए उन आदेशों का पालन सभी आत्माओं को सभी जीवों को सभी नर नारियों को करना चाहिए। दरअसल कोई भी भेद संसार के लिए और संसार को समझने के लिए किया जाता है। सभी तो आत्माएं हैं, ना कोई नर है ना कोई नारी है, ना कोई पशु है ना कोई पक्षी है, ये सब आत्मा है। सर्वभूतेषु सब आत्मा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता में दूसरे अध्याय में से ज्ञान प्रारंभ हुआ है और अभी हम जो सत्संग करने जा रहे हैं ये दसम अध्याय है। तो आइए पिछली कड़ी सत्संग की जो कही गई उसे हम इस कड़ी से जोड़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के दसवें अध्याय में से श्लोक संख्या 13 है, तृतीय 3। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मर्तेषु सर्व पापाय प्रमुच्यते। असमूढ़ कहते हैं ज्ञानी आदमी को, ज्ञानी व्यक्ति को। मूढ़ कहते हैं जो अज्ञानी है, अचेतन है, अंधेरे में भटक रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष जो ज्ञानी महात्मा
मुझे पहचान लेता है कि मैं अनंत ब्रह्मांडों का महाईश्वर हूं, लोक महेश्वर महाईश्वर, ये लोकों का अनंत अनंत ब्रह्मांडों का कंट्रोलर हूं। इस प्रकार से कोई महात्मा, ज्ञानी महात्मा मुझे पहचान लेता है, जान लेता है और मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं, इस बात को भी जान लेता है। वो इस ये संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनमें श्रेष्ठ है और ऐसा व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, पाप मुक्त कहलाता है, निष्पाप कहलाता है। अर्जुन को भी भगवान ने निष्पाप कहा है गीता में, अर्जुन भी निष्पाप थे क्योंकि अर्जुन भगवान की शरण में थे, 100% मित्र भाव में उनके भक्त थे। भगवान के शुद्ध भक्त निष्पाप होते हैं, वो पहचानते हैं भगवान को कि भगवान अजन्मा है, हम हमारी तरह वो जन्म नहीं लेते। जन्म मरण जरा व्याधि से दूर है, आत्मा भी अजन्मा है, आत्मा का भी जन्म नहीं होता, ना जायते ना मृयते, ना हन्ति ना हन्यते, हन्य माने शरीर, ये शरीरों का जन्म होता है। हमारे शरीर के अंदर 6 विकार है, इसका जन्म होता है, बढ़ता है, फैलता है, बुढ़ापे की ओर जाता है, मृत्यु का शिकार बनता है। इस प्रकार इसकी अवस्थाएं हैं। 6 विकार शरीर के अंदर है, इसकी इंद्रियां अपूर्ण है, कोई भी शरीर में पूर्ण इंद्रियां नहीं है। पूर्णेंद्र होगा वो संसार में नहीं भटकेगा, हम सबकी अपूर्ण इंद्रियां हैं। पूर्ण इंद्रियों वाले जिनको दिव्य इंद्रियां, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि, ये व्यक्ति इस संसार में भी अगर हो ऐसा कोई प्राणी व्यक्ति, वह मुक्त है, मुक्त जीव है। ये मुक्त जीव के लक्षण है। लेकिन जो मुक्त नहीं है, बंधन युक्त है, उसकी इंद्रियां, मन बुद्धि अपूर्ण है। ये विकार है शरीर के, इंद्रियां भी शरीर है, मन भी शरीर है। ये 24 तत्वों का एक पुतला खड़ा हुआ है आपके सामने, ये शरीर है। भौतिक सृष्टि ही ये 6 विकार रखती है, पृथ्वी है, यूनिवर्स है, हमारे शरीर है, सबकी वही दशा है। इनकी एक सीमित समय होता है, आयु होती है, अपूर्णता धारे हुए होते हैं, भ्रम होता है, सबके मन में भ्रम है, तो विकार है हमारे अंदर। विकार युक्त संसार में भटकता है, विकार मुक्त मोक्ष की गति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मर्तेषु सर्व पाप है विमुच्य, सर्व पापों से मुक्त हो जाता है ऐसा महात्मा, ऐसा ज्ञानी पुरुष जो मुझे अजन्मा समझता है। यह आत्मा भी अजन्मा है तो परमात्मा भी अजन्मा है, परमेश्वर भी अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते। भगवान का शरीर दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है,
हमारा शरीर जन्म लेता है क्योंकि भौतिक है, उनका जन्म नहीं होता, चिन्मय शरीर है उनका, आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह, चिन्मय विग्रह है भगवान का, अनादिरादिर गोविंद हो ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह कहते हैं शरीर को, उनका शरीर ही सच्चिदानंद है। हमारा शरीर सच्चिदानंद नहीं है, भौतिक आनंद है, मरणशीला है, मरण धर्मा है, जन्म धर्मा है, बुढ़ापा धर्मा है, बीमारी धर्मा है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, इटर्नल है, फुल ऑफ ब्लिस है, आनंद पूर्ण है, आनंद स्वरूप है, आध्यात्मिक है। ज्ञान स्वरूप है भगवान का शरीर की पोर पोर में पूर्ण ज्ञान है। हमारे मस्तिष्क में भी पूर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि भौतिक है, भौतिक स्तर पर हम खड़े हैं। जो आध्यात्मिक प्लेटफार्म पर आप होंगे और आध्यात्मिक शरीर आपको प्राप्त हो जाए भगवान की भक्ति करते करते, तो आप भी कहते कह सकते हैं कि मेरा भी शरीर सच्चिदानंद है। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, अभी तो इतना ही कह सकते हैं कि मेरा शरीर मिट्टी का पुतला है। क्षितिजल पावक गगन शरीरा पंच तत्व ये अधम शरीरा, ये जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ मिट्टी का पुतला है, 24 तत्व इसमें समाहित है। 24 तत्व क्या है? ये 5 तत्व हैं, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, 5 उनकी अरोमा है, इनकी सार तत्व हैं, तन्मात्राएं जिनको कहते हैं। पृथ्वी की, पृथ्वी में अरोमा है, गंध, जल में स्वाद है, अग्नि में रूप है, वायु में स्पर्श है, आकाश में शब्द है। ऐसे ही हमारी 10 इंद्रियां हैं शरीर में, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो टोटल मिला के 20 हो गए। 5 पंच महाभूत, 5 उनकी तन्मात्राएं, 10, और 10 हमारी इंद्रिय, हाथ। 5 ज्ञानेन्द्रियां क्या है? आंख है, नाक है, सूंघने की शक्ति, आंख है देखने की शक्ति, कान है सुनने की शक्ति, त्वचा है स्पर्श की शक्ति, और रसना है स्वाद की शक्ति। ये ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे हमको ज्ञान पैदा होता है। फिर कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ है, पांव है, गुदा द्वार है, मूत्र नली है, और वाणी है। तो ये 20 हो गए। फिर आपका मन है, बुद्धि है, और अहंकार है, ये 23 हो गए। और एक मूल प्रकृति, जो मूल नेचर है भौतिक तत्वों की, वो मूल नेचर 24वां तत्व है। तो ये 24 तत्व जब एक साथ मिल जाते हैं ब्रह्मा जी के विधान से, तभी शरीर खड़ा होता है, दिखाई देता है, विजिबल होता है। 23 तत्व जब तक होते हैं विजिबल नहीं होता, ना ये शरीर, ना ये पृथ्वी, ना ये ब्रह्मांड। 24 तत्व मिलके ये विजिबिलिटी प्रदान करते हैं, दृश्य जगत प्रदान करते हैं 24 तत्व। तो ये शरीर भौतिक तत्व है, लेकिन आप आत्मा है, आप भौतिक नहीं है, आप इटर्नल है, आप सच्चिदानंद है। तो आज भौतिक शरीर तो हमने सुने हैं, रात दिन सुनते हैं, एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव है, वैज्ञानिकों का अनुभव है। इन वैज्ञानिकों ने
क्योंकि देखे भी नहीं, उनका अनुभव भी नहीं, लेकिन आध्यात्मिक शरीर भी होते हैं जो आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है। भौतिक जगत का हिस्सा भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक जगत का हिस्सा आध्यात्मिक शरीर है। आध्यात्मिक धाम भी है, जैसे भौतिक ग्रह नक्षत्र हैं, पृथ्वी है, ऐसे आध्यात्मिक जगत भी है, आध्यात्मिक धाम, इटर्नल अबाउट्स आर देयर एग्जिस्टिंग इन इटर्निटी, मेटेरियल अबाउट्स आर एग्जिस्टिंग इन मेटेरियल वर्ल्ड, बट देयर आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज ऑल्सो द प्लैनेट्स एंड इटर्नल प्लैनेट्स, दे नेवर हैव एज टू डाई, वो कभी मरण धर्मा नहीं। तो उन पर रहने वाले जहां भगवान के भक्त हैं जो लोग, उनको आध्यात्मिक शरीर मिलता है। परमधाम गोलोक वृंदावन का वर्णन किया है शास्त्रों ने, जहां स्वयं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोप वेश में विराजमान होते हैं, उनकी सेवा में जो परम शुद्ध भक्त कहीं से भी संसार के किसी कोने से भी जिनको अधिकार मिल जाता है उस धाम में प्रवेश करने का, उसका शरीर आध्यात्मिक होता है, सुंदर होता है, रूपवान होता है। भगवान के श्री शरीर में, श्री विग्रह में और वहां पर सेवा करने वाले शरीरों में गुण धर्म एक ही होता है। वो भी सच्चिदानंद शरीर होते हैं, लेकिन आत्म स्वरूप से आप अभी भी सच्चिदानंद हैं, आपका कभी मृत्यु नहीं होती, आप इटर्नल हैं। आप यदि अपने आप को पखाड़ लें, पवित्र कर लें, आपकी कॉन्शियसनेस को शुद्ध कर लें, भक्ति करके, तप करके, ध्यान करके, कई प्रोसेस हैं, कई तरीके हैं, तो आपको अनुभव हो कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, मेरी परम शुद्ध भावना है। तभी संसार में आप नहीं पहुंच सकते, तब आप मुक्त हो जाते हैं, आप इटर्नल आध्यात्मिक जगत में जाने के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन जो भावना गंदी होती है, मेटरलिस्टिक होती है, भौतिक भावना होती है, तो भौतिक में जन्म लेते हैं, बार बार जन्म होते हैं, मरते हैं, बीमारियां आती हैं, ना जाने किस अवस्था में जाके शरीर छूटता है, कितने समय तक कभी कष्ट उठाना पड़ जाए या कभी सडनली अचानक हार्ट अटैक हो जाए, नोबडी नोज व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे शरीर छूटेगा, नोबडी नोज। और जो जानते हैं इस बात को, वो उस मुक्त आत्मा है, वो परम अंश अवस्था को पहुंचे हुए महान भक्त हैं, भगवान के संत हैं, योगी पुरुष हैं, वो कुछ कह भी सकते हैं अपनी मृत्यु के विषय में। इन संसार में फंसा हुआ प्राणी भला क्या कहेगा। अवजानन्ति माम मूढ़ा, भगवान कहते हैं कोई ज्ञानी पुरुष जब जान जाता है ऐसा कि मेरा कभी जन्म नहीं होता, कृष्ण भगवान कहते हैं, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम महाईश्वर, ये अनंत ब्रह्मांडों का महाईश्वर, कंट्रोलर, नियंता, जो मुझे जान जाता है, ज्ञानी पुरुष, और यह भी जान जाता है कि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता, द्वापर में मैं आया था, मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं कंस के कारागार में विष्णु स्वरूप से, नारायण स्वरूप से प्रकट हुआ, देवकी और वसुदेव मेरे भक्तों के सामने, फिर मैं बाल रूप में, मेरा वो स्वरूप
इटरनल है, आध्यात्मिक है। मेरा श्री विग्रह द्वापर में भी आध्यात्मिक था, इटरनल था, नहीं लगता है वैसा ही जैसे सबका है मन शरीर। इसलिए भगवान कहते हैं कि मम भूत महेश्वरम, मेरा जो शरीर है ये महाईश्वर का शरीर है, ये साधारण संसार में फंसे हुए भोगी विलासी लोगों का शरीर नहीं है। लगता है ऐसा है, अरे कृष्ण भी तो नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, भूख लगती है, माँ मुझे माखन दे दो, माँ मुझे रोटी दे दो, माँ मैं गाय चराने जाऊंगा, प्यासा हूं मुझे पानी पिला दो, गोपियों मुझे छाछ पिला दो, तुम्हारी छाछ मीठी लगती है। वही सब कर रहा है जैसे आपका कोई नटखट बालक करे, तो हमको भ्रम हो जाता है कि ये कोई मनुष्य होंगे, कोई योगी पुरुष होगा, कोई बुद्धिमान पुरुष होगा। नहीं, अब जानती माम मूढ़ा, मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, क्योंकि मैं भी मनुष्य जैसे शरीर में होता हूं, मेरा श्री विग्रह मेरा आदि रूप मनुष्य का है। परम भाव में अजानंद, तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस इस संसार में है किसी की? सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जज तो है, लेकिन उनसे पूछो कि आपकी कॉन्शियसनेस भी सुप्रीम है, तो कहेंगे सुप्रीम कॉन्शियस तो नहीं है। कॉन्शियस में रहकर न्याय करें वो भी बहुत बड़ी बात है, पूर्ण अवेयर अवस्था में जाकर अगर न्याय करें तो भी अच्छा है कि उनको सुप्रीम जज कहे कहा जाए। लेकिन सुप्रीम कॉन्शियसनेस तो सुप्रीम पर्सन के पास ही हो सकती है। संसार समाज आज का अनकॉन्शियस ब्लाइंडली जी रहा है, अनअवेयरली जी रहा है, कॉन्शियस में नहीं है, होश में नहीं है, बेहोशी में जी रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे भी प्राणी हैं इन्हीं में कुछ अंश में कि वो कॉन्शियसली अपने जीवन को जीते हैं, होश में अपने जीवन को जीते हैं, जागृत अवस्था में अपने जीवन जीते हैं, मूर्छित नहीं। तो उनको कॉन्शियसनेस कह सकते हैं कि ये होश में है ये प्राणी। लेकिन उसके बाद में सुपर कॉन्शियस, वो सुपर सोल के पास है, परमात्मा, आत्मा परमात्मा परमेश्वर, तीन डिग्री है ये। फिर सुप्रीम कॉन्शियसनेस तो फिर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड परमेश्वर के पास ही होती है, उनके हृदय में होती है सुप्रीम परम भावना। उनकी भावना के आगे कोई भावना नहीं है, परम भावना है, अजन्मा है उनका श्री विग्रह, अजन्मा है, वो अवतारी पुरुष है, अवतार नहीं। अवतार मां के गर्भ से बहुत से अवतार जन्म लेते हैं और अवतार जैसा फंक्शन करते हैं, भगवान की कृपा से भगवान की अंश अवतार है, हम भी भगवान के अंश हैं। लेकिन अवतार कहते हैं जो अंश ऊपर से आया हो, भगवान के आदेश से आया हो धरती पर धर्म की स्थापना करने, असुरों को मारने, भक्तों को आनंद देने। हम आत्माएं हैं, हम प्रयास करके भजन भक्ति करके ध्यान ज्ञान पैदा करके सिद्धि प्राप्त करके हम मुक्त होकर के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अवतार नहीं कहलाते, शुद्ध भक्त कहला सकते हैं अगर शुद्ध भावना होगी। परम सिद्ध अवस्था है तो मुक्त योगी कहला सकते हैं, मुक्त आत्मा कहला सकते हैं, निर्वाण की गति प्राप्त हो सकती है। लेकिन अवतार का पद हमको नहीं मिलता, अवतार जो भगवान के आदेश से ऊपर से आए हुए अंश है उनके, हम भी उनके अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल। अवतार उनके सेलेक्टेड
अंश होते हैं उनको आदेश देते हैं, वो आते हैं विभिन्न पृथ्वियों पर नाना अवतार। Fact. To make more sales, you need to reach more people. That's why you should begin advertising on Just One. Because it's a fact that Just One reaches millions of households every day. Now you can begin advertising on Just One for as low as $20 per day. Yeah, you heard right. $20 per day. So whatever your business is, the fact remains the same. Reach more people, make more money. यमराज मैं मरना नहीं चाहता। तेरा क्रेडिट तो खराब हो चुका है, तू घर खरीद नहीं सकता, नई गाड़ी ले नहीं सकता, तुझे साइकिल का फटा हुआ टायर भी नहीं मिलेगा, तू इस धरती पर रहकर क्या करेगा, चल मेरे साथ। मगर मैंने पहले ही जैनो क्रेडिट रिपेयर को कॉल करके अपना क्रेडिट ठीक करवाया था। और अगर तुम्हें अपना क्रेडिट ठीक करवाना है तो आज ही कॉल करो जैनो क्रेडिट रिपेयर, कॉल 1-800-400-ZYNO और लॉग ऑन टू zynocreditrepair.com। अपना फ्यूचर रिपेयर करो। लूज करो 10 मिनटां विच। ते मैं अपना 12 पाउंड वेट लूज कीता है। भार घटाउण लई, स्ट्रेस दूर करन लई ते अपनी एनर्जी नूं वधाउण लई, हेल्थ प्रॉब्लम्स तों छुटकारा पाउण लई, हर उम्र लई वधिया। ते मैं अपने आप नूं ज्यादा फ्रेश ते एनर्जेटिक महसूस करदी हां। सारे कनाडा विच ते अमरीका विच अवेलेबल है। स्पेशल डिस्काउंट लई हुणे कॉल करो 1-866-979-2348 ते फॉरएवर फिट रहो। आई कैन ओनली से दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स अराउंड। फॉरएवर फिट। परमात्मा श्री कृष्ण सबके लिए सुलभ है, वेदांतियों का ब्रह्म अप्राप्य है, भक्तों का भगवान प्राप्य है। ब्रह्म का अवतरण बुद्धि में होता है और भगवान का अवतरण हृदय में होता है। वेदांतियों का ब्रह्म ध्यान ज्ञान से प्राप्त अनुभूत संभव है और भगवान जो है वो भक्ति से प्राप्य है। जो जीव निस्साधन है उसका क्या, जिसका जन्म कोई विशेष कुल में नहीं हुआ है, जिनको अमुक प्रकार के संस्कार नहीं मिले, कोई विशेष शिक्षा दीक्षा नहीं मिली, ईश्वर प्रत्यात जिनकी कोई जानकारी नहीं है, भोग के लिए नैवेद्य हाजिर नहीं, तो इस प्रकार का निस्साधन जीव वो ईश्वर के सन्मुख कैसे जाएगा, ये गजेंद्र मोक्ष है।